झूठे मुकदमे से तंग आकर देश के सिपाही ने राष्ट्रपति से मांगी क्षमृत। न्याय के लिए दर दर भटक रहा देश का जवान, जवान ने जताई घर वालों को जान माल का खतरा होने की आशंका। जवान ने की मुकदमों की सीबीसीआईडी जांच कराने की मांग। थाना सहार जनपद अरैया के पुरवा रावत के रहने वाले बीएसएफ के जवान मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी ने अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमों से तंग आकर और न्याय न मिलने के कारण इच्छा मृत्यु की मांग की है। सेना के जवान ने माननीय राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में बताया कि उसकी शादी थाना अकबरपुर के ग्राम वारा जनपद कानपुर देहात के रहने वाले इश्तियाक की बेटी के साथ 14 दिसंबर 2015 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई। शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी द्वारा सिपाही पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया, जो अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद जवान की पत्नी द्वारा उस पर अन्य मुकदमे दर्ज कराए। जवान का आरोप है कि उसके ऊपर लगाए गए तमाम मुकदमे फर्जी हैं, जिसके थाना अकबरपुर व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात की पुलिस व क्राइम ब्रांच पुलिस पूरा जांच कर अंतिम रिपोर्ट की भी लगाई गई थी, मगर उसकी पत्नी द्वारा न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर सिपाही और उसके परिवार को जेल भिजवा दिया था। अब सेना के जवान दस्तगीर को अपने परिवार वालों के जानमाल का डर सता रहा है। जवान ने बताया कि साल 2017 में थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात में जो मुकदमा दर्ज कराया था, उस वक्त वह जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल पर सिपाही के पद पर ड्यूटी कर रहा था, जिसके बाद से सिपाही न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और न्याय न मिलने पर देश के जवान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सेना के जवान ने जनपद मुख्यालय से जिलाधिकारी को एक पत्र दिया, जिसमें उसने लिखा है कि पत्नी द्वारा उसके ऊपर लगाए गए सभी मुकदमों की या तो सीबीसीआईडी जांच हो या फिर उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उप संपादक विमल पांडे के साथ कैमरामैन मोहम्मद साहिब। मांगी है, क्या कुछ मामला है? सभी को जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद दस्तगीर कुरैशी है, 64वीं बीवाहनी सीमा सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में सेवारत हूँ। हमारे ऊपर हमारे ससुराल वालों ने 4 FIR करा रखी हैं और चारों फर्जी हैं, जिसमें 3 में फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा रखी है, 1 में चार्जशीट लगाई है। जिस FIR में चार्जशीट लगाई है, उस समय में ड्यूटी पे तैनात पंथा चौक श्रीनगर में था। इसके बावजूद जब भी मैं तारीख पे आता हूँ, एक नई FIR लिखा दी जाती है। इससे परेशान होकर मैं राष्ट्रपति जी को एक लेटर दिया था 2000, जब राष्ट्रपति जी की शपथ ग्रहण था, उस दिन मैंने दिया था इच्छा मृत्यु के लिए। लेकिन अभी तक और यह ना कान माती DM के साहब के पास आया था, लेकिन अभी तक कोई हमको रिपोर्ट नहीं मिली। उसके बाद फिर मैंने इच्छा मृत्यु लिया सितंबर में, उसका भी अब हमारे IG को डिटेल किया गया, ना उन्होंने भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। इसलिए जब भी मैं अभी 9 जनवरी को मेरी तारीख पे आया था मेंटेनेंस की, तो वहाँ पर फिर एक FIR 504-506 में लिखा दी गई है हमारे ऊपर। इससे हम बहुत प्रताड़ित हूँ, इसलिए यह तो हमारी केसों की CBCID जांच करा दी जाए, नहीं तो हमको इच्छा मृत्यु के लिए आदेश कर दिया जाए। इस वक्त अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं इस समय श्रीनगर में 64वीं बीवाहनी सीमा सुरक्षा बल में जम्मू एंड कश्मीर में तैनात हूँ। यहाँ अभी क्या छुट्टी लेके आए थे? मैं भी हमारे एक केस की निरस्तीकरण की एप्लीकेशन दिया, उसके कारण मैं छुट्टी पे आया हूँ। तो आप जब सारी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर इच्छा मृत्यु मांगने का कारण क्या? कारण यही है कि जितने बार आता हूँ, उतने बार एक ना एक FIR कर दी जाती है। मुझे जब भी SP साहब के पास कहीं भी जाता हूँ, हाँ आपकी समस्या का हल होगा, समस्या का सॉल्व होगा, पुलिस फाइनल रिपोर्ट तो लगा देती है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। कोई CDR भी निकाला गया, सारा कुछ निकालने का एविडेंस सारे कलेक्ट किए गए, लेकिन अभी तक हमारे कोई सुविधा नहीं मिल पाई हमको। अभी हम पूछेंगे आपसे कि अब आप यहाँ आए हुए हैं।